ये ले लो टोंग ले लो। ओ भाई साहब, ओ भाई इसकी कटिंग देखो पहले आप, कितना हार्ड शेल है, देख रहे हो आप। ओरिजिनल सी फूड खाने वाले आज हम, ओरिजिनल सी फूड। तो इसकी वैल्यू पता है क्या है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है सर इसको देख के। ये देखो भाई साहब, ये लॉबस्टर का पूरा जो शेल है ये फ्राई हो रहा है। देख फ्राई होने के बाद एकदम से कलर चेंज हो गया उसका, देख रहा है ऑरेंज कलर का हो गया, रंगत ही चेंज हो गई है। और बढ़िया तरीके से पकाया जा रहा है, मज़ेदार, इसे सी फूड कहते हैं एक्चुअली में जो ये वैरायटी यहाँ पे। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं, पता कहाँ पे आज हम आए हैं, ग्रब सोल लेके। जी हाँ, इनका एक ब्रांच SDA में भी है और हम इस टाइम पे खड़े हैं गोल्फ कोर्स रोड सरस्वती कुंज ये एरिया। और भाई अंदर पूरा ना ऐसा लग रहा है जैसे कि गोवा थीम, जैसे सी फूड खाने आए ना एक्चुअली में, तो ऐसा लग रहा है कि हम सी में बैठ के आराम से खाएंगे। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, खास बात क्या है बताऊँ, खास बात ये है यहाँ पे लॉबस्टर, प्रॉन, क्रैब, हर एक चीज़ मिलती है। वो सब मैं नहीं खाता, बट मेरे साथ कोई है वो खाएगा, बट मैं भी खाऊंगा कुछ चीज़ें और बनते हुए दिखाऊंगा आपको कि बनाते कैसे हैं। इतना बढ़िया फूड, मज़ा आ जाएगा। आ जाओ अंदर, आ जाओ। तो ये देखो भाई साहब, ये बन रही है जी हमारे लिए, क्या बना रहे शेफ? सर ये ग्रिल पॉम्परेट है, ये ग्रिल होगी ये भाई। ये और तवे पे करते हो सर ग्रिल? सर ये माइक्रोवेव। अच्छा अच्छा, अंदर माइक्रोवेव है। और ये देखो भाई, ये आपको दिखाने के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ मैं, बट ये क्या है, ओवरनाइट इसको रखना पड़ता है बढ़िया फ्लेवर्स के लिए। और आप ये देख सकते हो भाई, ये मतलब आप ये देखो भाई कि कितनी बढ़िया फिश पूरी पॉम्परेट है। और जो इसका मैरिनेशन है ना, इसका मैरिनेशन के अंदर ही इसका पूरा का पूरा टेस्ट जो है ना वो उसके अंदर है। वो ट्रस्ट में कह रहा हूँ मैं, चाहे वो कोई पंजाबी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो सी फूड खाता है ना उसको इसकी वैल्यू पता है क्या है, मेरे मुँह में पानी आ रहा है सर इसको देख के। तो ये देखो भाई, ये फॉइल पेपर है, इसके ऊपर बटर लगाया है। सर बटर लगाया। और ये पूरा का पूरा पीस इस फॉइल पेपर के ऊपर आ गया, क्योंकि अब ये तैयार हो चुकी है हमारी ओवन के अंदर जाने के लिए। शेफ कितनी देर पकेगा अंदर ये? सर इसको लगते हैं कम से कम 10 मिनट। सर 10 मिनट में पक जाएगी ये? भाई साहब मतलब 10 मिनट के अंदर ये हमारी फिश बनने वाली है। तो ये देखो भाई, बटर गार्लिक प्रॉन्स बन रहे हैं, मैरिनेटेड प्रॉन्स है। और अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको डीप फ्रायर में डाल रहे हैं। 8 पीस आते हैं एक प्लेट के अंदर, जो भी एक एक पोर्शन है। और उसके लिए इसको पहले गोल्डन फ्राई किया जा रहा है बढ़िया से, गोल्डन क्रिस्पी करेंगे और उसके बाद इसकी एक सॉस बनाई जाएगी। ये आगे भाई सॉस बननी स्टार्ट कर दी है, ये आ गया ऑयल। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इस टाइम गोल्फ कोर्स रोड पर हूँ, जो कि मतलब कि आपको बाहर रोड पे अगर आप निकलोगे ना तो आपको बड़ा बड़ा ऊपर बोर्ड दिख जाएगा ग्रब सोल, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी फूड मिलता है। और ऐसा सी फूड जो एक्चुअली में ना आपको गोवा मिलने वाला है, ना आपको कहीं मिलने वाला है। आप सीधा सीधा आओगे या तो इनके SDA मार्केट में जाओगे, या फिर आप आओगे सीधा गोल्फ कोर्स रोड। ये देखो भाई, और गार्लिक डाला, अनियन डाला। अब ये आ गया भाई थोड़ा सा, ये स्टॉक है किसी चीज़ का? वेजिटेबल स्टॉक है। और ये ब्लैक पेपर डाल रहे हैं भैया। और ये डल गए भाई 8 पीस प्रॉन्स के, ये काफ़ी हाई प्रोटीन होता है, बहुत बढ़िया एकदम मज़ेदार। और ओरिजिनल सी फूड खाने वाले आज हम, ओरिजिनल सी फूड। ये डन हो चुका है हमारा आइटम भाई। तो भाई अब बारी आ गई है लॉबस्टर बनवाने की। जी हाँ, और भाई इतना बढ़िया लॉबस्टर होगा ना कि आप भी बोलोगे यार कि एक्चुअली में हमने लॉबस्टर खाया। और दूसरी चीज़, अगर मैं आपको प्राइस, जो डिश का प्राइस बताऊँगा ना, वो अनबिलीवेबल है, एक्चुअली में अनबिलीवेबल। उतने रुपये में तो आप किसी एक ब्रांड का बर्गर खा लेते हो, जितने रुपये में आपको मैं ये बताऊंगा। तो ये देखो भाई साहब, लॉबस्टर बन रहा है जी, लॉबस्टर। जी हाँ, तो भाई इसकी कटिंग देखो पहले आप, कितना हार्ड शेल है, देख रहे हो आप भाई। सीरियसली इसको तो देख के डर लग रहा है यार, सीरियसली लोग कैसे खा लेते हैं, मैं नहीं खा पाता ये बिल्कुल। बट मैं बात करूँ, अगर मैं प्रोटीन लेवल की बात करूँ तो इसमें काफ़ी हाई प्रोटीन रहता है इसके अंदर। और ये जो मीट जो आप देख रहे हो ना, दिस इज़ रियली वेरी वेरी कॉस्टली, अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाते हो या कहीं खाते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक इतने बढ़िया प्राइस पे मिलेगा कि शायद आप भी हैरान हो जाओगे, अरे यार इतने रुपये में तो हम एक बर्गर खाते हैं किसी ब्रांड का, जहाँ पे पूरा हमारे को एक लॉबस्टर मिल रहा है सीरियसली। और स्विगी जोमेटो दोनों से आप मंगवा सकते हो अपने घर पर। भाई साहब कहाँ पर आया हूँ मैं, आपको दोबारा बता देता हूँ, ग्रब सोल आया हूँ, जो कि मैं इस टाइम पर खड़ा हूँ मैं अपना गोल्फ कोर्स रोड पर। लेकिन इनका जो एक रेस्टोरेंट है वो SDA मार्केट में भी है। बट आप अगर आप गुड़गांव में रहते हो ना, या साइबर अप के पास में हो,
तो फिर आप यहीं पर आके खाओ। ये देखो भाई साहब, ये लॉबस्टर का पूरा जो शेल है ये फ्राई हो रहा है। देख, फ्राई होने के बाद एकदम से कलर चेंज हो गया उसका, देख रहा है, ऑरेंज कलर का हो गया। ये वैसे इसको फ्राई क्यों करा जाता है? कच्चा माल रहेगा वो उसको, अच्छा जो भी कच्चा रहेगा वो पक जाएगा, पूरा फ्राई हो गया ना। कलर देख रहे हो, बिल्कुल चेंज हो गया। ये ले लो टोंग, ले लो। ओ भाई साहब, तो अब इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं ताकि इसके अंदर से एक्सेस ऑयल निकल जाए और हम बनवाते हैं जो इसके अंदर का जो मीट है वो बनवाते हैं। ये देखो भाई साहब, सबसे पहले आ गया जी इसके अंदर बटर। अब लॉबस्टर बनाया जा रहा है, इसको अंदर का जो मीट था उस मीट को पकाया जाएगा बढ़िया तरीके से। तो उसके लिए ये डाल दिया भाई लॉबस्टर पूरा। ये ऐसी चीज़ है जो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे ही मिलती है, हर जगह अवेलेबल नहीं मिलती। जैसे फिश है, तो फिश हमारे को ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाती है, एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट मिल जाती है। ये क्या चीज़ है शेफ? सॉस है इसका, वाइट सॉस। वाइट सॉस है, तो ये वाइट सॉस है इनका, एक स्पेशल वाइट सॉस जिसके अंदर ये डाल दिया है बढ़िया से। क्या बढ़िया, एकदम क्रीमी टेक्सचर, जैसे कहता ना एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया और बढ़िया तरीके से पकाया जा रहा है, मज़ेदार। ये आ गया भाई शेल पूरा का पूरा, और इसके अंदर अब फिलिंग की जा रही है हमारे क्रीमी लॉबस्टर की, जो कि वाइट सॉस के अंदर पकाया इन्होंने बढ़िया तरीके से। साथ में गार्लिक ब्रेड सर्व होगी और साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल, सॉटे वेजिटेबल्स। भाई अब आप सोचो कि ये डिश का प्राइस क्या होगा, कैन यू गाइज इमेजिन? भला आप सोच भी नहीं सकते, आप गेस करो सर, नीचे कमेंट करो कि कितने रुपए की डिश होगी ये। अगर आप सी फूड खाते हो ना और आपने आज तक लॉबस्टर खाया है, तो आप मुझे बताओ कि इसका प्राइस क्या होगा। एक अगर मैं एक रेस्टोरेंट की बात करूँ ना, कम से कम 2000 रुपये, 1500 से 2000 रुपये कम से कम। तो ये देखो भाई, हमारी फाइनल डिश बनने जा रही है मैंगलोर फिश करी। जी हाँ, अब आप देखो कि वो बनती कैसे है, मैंगलोर फिश करी। और इसके अंदर जो फिश यूज़ करी है वो वाइट स्नैपर है, और वाइट स्नैपर अगर मैं बात करूँ ना, तो ये अमेरिका और जापान में ज़्यादा यूज़ होती है, इंडिया में कोई देता ही नहीं है वाइट स्नैपर। इंडिया में आपको अगर मिलेगी भी ना, तो इक्का या दुक्का जगह पे मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको अगर आप फिश खा रहे हो तो आपको वाइट स्नैपर ही मिलेगी। वेजिटेबल स्टॉक डाल के इसकी ग्रेवी बनाई जा रही है, और साथ में इसमें कोकोनट मिल्क भी डलेगा। अभी देखते रहो इसमें क्या क्या डल रहा है। करी पत्ता है ना, ये देखो, ये इमली का पानी है बढ़िया सा। और ये आ गया भाई हमारा कोकोनट मिल्क। वाह, रंगत ही चेंज हो गई है, क्योंकि फिश के अंदर जितने भी फ्लेवर्स है ना, वो सब अब इस ग्रेवी में जाने वाले हैं। तो ये देखो भाई साहब, लॉबस्टर आ गया है। और मैं बात करूँ इस लॉबस्टर के प्राइस की ना, अगर तो 600 रुपये, मात्र 600 रुपये कीमत है इसकी लॉबस्टर की, साथ में गार्लिक ब्रेड एंड सॉटे वेजिटेबल्स मिलेंगी। और कम से कम अगर ये किसी रेस्टोरेंट में खाओगे ना, ये लॉबस्टर अगर खाओगे किसी भी रेस्टोरेंट में, 2000 रुपये का होगा कम से कम, है ना। पूरा आपके सामने एकदम वाइट सॉस के अंदर बनाया है इसको, एकदम क्रीमी टेक्सचर है और टेस्ट, मतलब मैं खाता नहीं हूँ और मेरे को साथ में लेके आना पड़ा टेस्ट करने के लिए, सही है। मतलब गोवा में खाया हुआ ना ये हमने, है ना, ये चीज़ नहीं मिल सकती, ये चीज़ नहीं मिल सकती। अगर आप आते हो ना यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये विद शेल आएगा आपके पास, और ये डिलीवरी में शेल नहीं मिलेगा, डिलीवरी में आपको सिर्फ अंदर का मीट मिलेगा। तो कभी भी आप ऑर्डर करें स्विगी जोमेटो से, तो याद रखना 600 रुपीज़ ओनली। ये देखो भाई, ये आ गई जी हमारी फिश तंदूरी पॉम्फ्रेट। ये देखो, आए हो, क्या बात है। ये एक वो चीज़ है जिसको हम ढूंढते दिल्ली में, और हमारे को फ्लेवर्स नहीं मिलते इसके। इसको हाथ से खा रहे थे, ये देख रहे हो, ये क्या बात है भाई साहब, मतलब खा रहे हो पूरा एकदम से, बड़ा पीस है। मतलब भाई फ्लेवर इतना तगड़े हैं, ओवन में बनाइए, टेस्ट तंदूरी पूरा, ऐसा लग रहा है जैसे तंदूर से निकल गया। तंदूरी टेस्ट है बिल्कुल। बटर गार्लिक प्रॉन्स, जी हाँ, सही है। ये मीडियम साइज है, और ये हमारा स्पेशल मैंगलोर फिश करी जिसके अंदर वाइट स्नैपर फिश का यूज़ किया है, ये देखो। और आपके सामने एकदम बनाई है एकदम बढ़िया तरीके से, कोकोनट मिल्क डाल के। सबका टेस्ट यूनिक है, अलग, मतलब हाँ टोटली अलग है टेस्ट भाई। ये जगह एक्चुअली में स्पेशली ये उन्हीं के लिए है जिनको सी फूड से प्यार है,
जिनको सी फूड का टेस्ट एक्चुअली पता है। हर तरह के सी फूड है, हाँ हर तरह के सी फूड। अगर मैं बात करूँ सी फूड की, हम किसी भी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, वहाँ पे फिश और प्रॉन्स ये दो एक आइटम ऐसे थे जो वो रखते हैं और कहते हैं जी हमारे पास सी फूड है, इसे सी फूड कहते हैं एक्चुअली में जो ये वैरायटी यहाँ पे है। प्राइस है टोटली रीजनेबल। भाई ये देख फिश की ग्रेवी, इसका टेस्ट लाजवाब। ये ग्रेवी खाओगे ना, हम जो बनाते हैं एक्चुअली में हम बनाना था ये चाहते हैं, पर ये बनती नहीं हमारे से घर पे, तो अब बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत बढ़िया यार, मतलब फिश ने तो दिल जीत लिया, इसने पॉम्फ्रेट ने और इसने। मुंह में जाते ही ये आ गए भाई हमारी ग्रिल फिश। जी हाँ, लेमन ग्रिल फिश। ये साथ में इसकी सॉस थोड़ा सा, ये जो ये ग्रेवी करी है खाते ही कुछ अलग सा, मतलब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, तो यूनिक चीज़ लग रही है एकदम। इट्स नॉट कोई सिंपल सी ऐसी चीज़ नहीं है कि जस्ट एक कोकोनट डाल दिया और कर दिया। ये है क्रैब विद फ्राइड राइस, ये आता भाई साथ में। ये मैं कराता हूँ टेस्ट, ये भी चलो इसके पहले ये डालो। इसमें एक दिखा रहा हूँ, ये क्रैब का पीस है पूरा का पूरा भाई साहब। ये पूरा क्रैब का पीस है, दिखाओ। ये देखो भाई, ये राजी क्रैब का पीस, और ये पूरा का पूरा मतलब कि वो है, ये विद शेल नहीं है, साथ में इसके फ्राइड राइस। अगर आप भी सी फूड के दीवाने हो और आप खाना चाहते हो ये सब चीज़ें एकदम, मतलब कि कह रहा हूँ कि मैं एकदम रीजनेबल प्राइस, जो कि अनबिलीवेबल प्राइस है मैं अगर बोलूँगा तो आ जाओ कहाँ पे, ग्रब सोल या तो गोल्फ कोर्स आ जाओ अगर आप गुड़गांव में रहते हो आसपास में, नहीं तो SDA मार्केट में, वहाँ पे भी आके आप इसको खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो बढ़िया सा फूड सी फूड।